बात को छुपाओ मत, हमें बता दो। हमारी प्रिंसेस और हमारे प्रिंस दोनों की मंगनी हो गई है। क्या हुआ तुम लोगों को, तुम चौके नहीं? रहने भी दो, हमें पहले से ही पता है, ये दो दिन पुरानी खबर है। हाँ? ये खबर कल के अखबार में छपी थी। ये बासी खबर है। मैंने कल का अखबार पढ़ा था, डैड की वजह से मेरी बेइज्जती हुई। अब चुप भी रहो। आखिर ये इसलिए हुआ ना क्योंकि डैड अखबार को सुबह जाते वक्त अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं। अब जब तुमने ये बात निकाली है, आज सुबह भी। थैंक यू। सुनो, क्या तुमने सब कुछ ले लिया है? ओ, सब कुछ तो ले ही लिया है, मैं आज ट्रेन में अखबार पढ़ना भूल ही गया। डोरा बेटे, प्लीज जरा आज का अखबार ले आओ। ठीक है, ये लो आज का अखबार। देखा, ये डैड की ही गलती है। पर डैड तो शाम को अखबार ले आते हैं, तो तुम उसे शाम को ही पढ़ लिया करो। शाम को तो होमवर्क करते हुए मैं बिजी होता हूँ। बस एक बार मैं सुबह अखबार पढ़ना चाहता हूँ, बस एक बार। इसके लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठना पड़ेगा? क्या मैं इतनी सुबह जल्दी उठ पाऊंगा? मैंने तो सिर्फ सलाह दी थी, कोशिश तुम्हें ही करनी होगी, मदद मैं कर दूंगा। ये है न्यूज़पेपर डे चेंजिंग पोस्ट। मुझे इसी का इंतजार था। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? पहले तो इस डायल को घुमाओ, फिर उसे आगे मार्क करो। अब इसमें कल का न्यूज़पेपर डालने की कोशिश करो। है? ये तो चलने लगा। अच्छा, अब डेट क्या है? ये तो आज का अखबार है। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोनू अपना नया सॉन्ग रिलीज करने वाला है। कार्टून फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, एक नया डोरेमोन। एक बात तो ठीक है, अखबार में ताज़ा खबर पढ़ने का मजा ही कुछ और है। सच में कितना मजा है। हाँ बिल्कुल, नए तातामी मैट्स और ताज़ा खबरें पढ़ने में हमेशा अच्छी होती हैं। पर हर कोई ताज़ा खबर पढ़ता है? मुझे तो नहीं लगता कि लोग इतने इंटरेस्टेड होंगे। हाँ बिल्कुल। फिर कोई मजा नहीं। एक मिनट रुको, अगर एक मार्क घुमाने से आज का अखबार मिलेगा तो दो मार्क घुमाने से कल का अखबार मिलेगा, ठीक है ना? नहीं, अगर ऐसा करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पर मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा है। पता है, तुम्हें कल का पेपर बनाना है ना? ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हाँ, मार्केट में बीन जैम पैनकेक्स की सेल लगी है। कहाँ? तुम्हें जल्दी करना होगा वरना सारे केक्स बिक जाएंगे। बीन जैम पैनकेक्स, बीन जैम पैनकेक्स। सुपर हिट, मैंने कर दिखाया। ये
तुम्हें पता है चॉकलेट्स अलग हो रहे हैं। कौन? वो मशहूर बैंड ग्रुप? ये नहीं हो सकता। ये सच है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? चॉकलेट्स तो यहाँ पर एक कंसर्ट करने वाले हैं। पर वो न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर? नोबिता तुम सपने देख रहे हो क्या? हाँ, चलो हम घर जाकर टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। किसने कहा था कि ये रिटायर हो रहे हैं? हाँ वो इतने मशहूर हैं तो रिटायर क्यों होंगे। बड़ी अजीब बात है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम बता दें कि ये हमारा आखिरी कॉन्सर्ट है। हाँ? ये क्या है, क्या है ये? सच तो ये है कि ये हमारा आखिरी कॉन्सर्ट है, इसके बाद हम अलग हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। हम आप लोगों का दुख समझ सकते हैं, लेकिन हमारा ये फैसला एकदम पक्का है। इसके लिए हम आप सब लोगों से माफी चाहेंगे। हम अपनी जिंदगी अब आम लड़कियों की तरह जिएंगे। ये पागलपन है। तुम ये कैसे कह सकते हो? वेल, ऐसा है कि ताज़ा खबर पढ़ने में तुम मुझसे जरा पीछे रह गए। ये एक मिनट है। डोरेमोन, तुमने बीन जैम पैनकेक्स के बारे में झूठ बोला था। वो तो तो तुमने कल का अखबार बना ही दिया। अब तुम इतना गुस्सा मत हो जाओ, वो काफी इंटरेस्टिंग था। अब वो कहाँ चला गया? ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। नोबिता, कल रात को पड़ोस में चोरी हुई है, मैं जरा उनसे मिलने जा रही हूँ। पड़ोस में चोरी? ये नहीं हो सकता, ये तो कल के पेपर में है। मैंने सुना तुम्हारे घर में चोरी हुई है, है ना? हाँ? वो चोर आया था ना तुम्हारे घर में? नहीं, यहाँ तो कोई चोरी वोरी नहीं हुई। पर मैंने तो खुद पढ़ा था अखबार में। क्या? देखा तुमने, तुम्हारी वजह से सब कुछ कितना उलझ गया है। अगर कल के अखबार में कल रात लिखा हो तो मतलब चोर आज रात आएगा। अब हमें पता चला है तो हमें कुछ करना होगा। अजीब बात है। नोबिता, डोरा बेटा, क्या तुमने लिविंग रूम में पड़ा अखबार देखा हमने है? कुछ हमने नहीं, कुछ देखा। नहीं देखा। अजीब बात है, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। हमारे पड़ोसी तो चले गए, तो चलो उनके घर चलते हैं। बिल्कुल चोरों की तरह, जैसे हम आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। जादू का छल्ला, इससे तुम हर चीज से गुजर सकते हो। चलो, यहाँ अंधेरा है, मैं लाइट का स्विच ढूंढता हूँ। एक मकड़ी का जाल। ये तो स्टॉकिंग्स है। मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम बेवजह ही डर जाओगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? शायद वो चोर सचमुच यहाँ आ रहा है। हाँ, मुझे भी लगता है उसका आने का वक्त हो गया है। अजीब बात है, घर पर तो किसी को भी नहीं होना चाहिए था। जरूर घर पर कोई है। चलो निकल लो यहाँ से। उसने देर कर दी है। अखबार, ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये लिविंग रूम की लाइट। ओह, ये तो पड़ोसी का लड़का है। अजीब बात है, घर पर तो किसी के भी। हाँ? ओ। वेलकम होम। वो चोर तो आया ही नहीं। कौन सा चोर? अरे, बिन बुलाए मेहमान बनोगे तो कोई भी तुम्हें चोर ही समझेगा। आई बात समझ में तुम दोनों की? क्या, हम तो आपके घर में रखवाली कर रहे थे। हाँ, और ये अखबार कहता है कि आपके घर में चोर। अखबार, ये क्या बात कर रहे हो? यही पर है। क्या? वो चोर पड़ोसी के घर में नहीं घुसा, आपकी सोच गलत थी।
हाँ बिल्कुल, हम घर की रखवाली कर रहे थे इसीलिए ये चोरी टल गई। हाँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से अभी बता रहा हूँ ताकि तुम लोग ऐसी हरकत फिर कभी ना करो। डोरेमोन। मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर कभी किसी के घर में इस तरह मत घुसना। आई बात समझ में तुम्हारे? पर हमारे इरादे तो नेक थे सच में। अब भी बहस करना चाहते हो? हाँ सॉरी। हम कितने बदकिस्मत हैं। कल सुबह मैं आखिरकार उस अखबार को पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। जल्दी उठ गए, ये रहा तुम्हारा अखबार। थैंक यू। नो पिता, उठ जाओ, आज का अखबार। नो पिता, देखो अखबार ताजा खबरों के साथ आया है। कहाँ चला गया? वो रहा। आज कोई होमवर्क नहीं है और मुझसे कोई काम करने को नहीं कहा गया और सताने को कोई दोस्त भी नहीं है। नोबिता, सुनियो। मैं तो हवा में उड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। जानना चाहोगे मैं किस पर उड़ने वाला हूँ? कितना अच्छा महसूस कर रहा था, अब अचानक कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम जाना चाहते हो ना, है ना? ऐसी बात नहीं है। जाना चाहते हो ना, है ना, है ना? क्या तुम सच्ची में जाना चाहते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता। ऐसा मत कहो। हाँ, मुझे लगा तुम जानना चाहोगे इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, तुम ये जरूर जानना चाहोगे। कोई बात नहीं। मैं मेरी बात सुनो, मेरा कजन जो मुझे नहीं सुनना। नोबिता रुको रुको। ये सुनियो तो पीछे ही पड़ गया है। हाँ, तो मेरा कजन जो कॉलेज में पढ़ता है। मैं नहीं सुनना चाहता। रुको रुको। हाँ, तो मेरा कजन मुझे हॉट एयर बलून पर राइड करने का मौका देगा। तुमने सुना? मैंने सुना। मैंने सुना, मुझे गुस्सा आया है, इसके कारण मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया है। तो क्या हुआ? टेक कॉप्टर के जरिए तुम हमेशा उड़ते रह सकते हो, तुम्हें किसी हॉट एयर बलून की जरूरत नहीं। लेकिन वो फिर दिमाग खराब करने आ जाएगा, हॉट एयर बलून में अपनी तस्वीर खिंचवा कर आएगा और कहेगा, क्या तुमने कभी ऐसा हवाई सफर किया है? वो जरूर हमारी बेइज्जती करना चाहेगा, मुझे पता है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ डोरेमोन? तो तुम चाहते हो कि मैं एक हॉट एयर बैलून बनाऊं? हाँ बिल्कुल। तुमसे यही उम्मीद थी, पर ये जरूरी नहीं कि मुझे हर चीज बनानी आती हो। हाँ, तुम्हें किसी भी तरह इस बलून को बनाना ही पड़ेगा। समझ गया, एनर्जी सेविंग हॉट एयर बैलून। क्या ये हॉट एयर बलून है? बिल्कुल सही। पता है डोरेमोन, एक हॉट एयर बलून बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। फिक्र मत करो, ये हवा में ही उड़ेगा। ये उड़ेगा? क्या ये सचमुच उड़ेगा? वाह, उस लाइटर से बलून फूल गया। सही कहा, इसीलिए इसे एनर्जी सेविंग हॉट एयर बलून कहते हैं। वाह, ये तो बढ़िया है, ये उड़ रहा है। क्यों, कैसा लग रहा है? एक और चीज है, ग्लो जेट। ग्लो जेट? हाँ, इसको बाहर की तरफ करके धीरे से ब्लो करो। वाह, हम आगे बढ़े। इसकी मदद से तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये तो बढ़िया है। हाँ? ये तो शिजुका का घर है। शिजुका, हेलो। हाँ? या
हॉट एयर बैलून है। अगर तुम चाहो तो इस पर सैर कर सकती हो। हाँ, मुझे भी सैर करनी है। जरूर आ जाओ। ए, नोबिता, बस इतना याद रखो कि ये बैलून सिर्फ दो लोगों के लिए है। तो तुम इस हॉट एयर बैलून से उतर जाओ। ओ हाँ, बिल्कुल। पर अगर तुम इसे चलाओगे तो तुम्हें नीचे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। मैं बेवकूफ हूँ क्या? शायद मुझे इसमें नहीं आना चाहिए। तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मेरी सलाह है कि एक बार फिर सोच लो। आखिर फिक्र मत करो, इंतजार करना। इसका कुछ नहीं किया जा सकता। जल्दी करो, कुछ खतरा मत मोल लेना और जल्दी वापस आ जाना। मैं इंतजार करूँगा। सुनियो, हम इस पर कब राइड कर पाएंगे? ये बलून में गर्म हवा भर रही है, पहले ये काम खत्म होना जरूरी है। और वैसे भी ये बड़ा है तो वक्त लगेगा। कितना वक्त लगता है? क्या कोई और आसान तरीका है जिससे हम उड़ सके? तुम नामुमकिन बातें क्यों सोचते हो? हे जियान, सुनियो। हाँ, नोबिता। तुम अभी तक बलून में नहीं उड़े? बदतमीज, ये बलून इसके पास कैसे आया? ये तो जाहिर बात है कि ये सब डोरेमोन ने ही किया होगा। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। हे नोबिता, रुको, मुझे भी राइड करनी है। वाओ, मैं तो बड़ा मजा आया। नोबिता, ये खतरनाक हरकतें करना बंद करो। फिक्र मत करो, अब हम और ऊंचाई पर जाने की कोशिश करेंगे। डिलीशियस। मुझे उम्मीद है कि नोबिता और शिजुका ठीक होंगे। शिजुका, शिजुका, उठो। ओ नोबिता, क्या तुम ठीक हो शिजुका? हाँ, पर हम हैं कहाँ पर? ओह, स्वर्ग। वाओ, कितना सुंदर है। देखो, मैंने कहा था ना, हम बादलों के बीच में है ना, पर फिर भी हम हैं कहाँ पर? नीचे जाकर देखते हैं। हम तो समंदर के ऊपर हैं। ये क्या मुसीबत है? मैंने कहा था ना, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। नोबिता, तुम्हें पता है हमें जाना किस तरफ है? सच कहूँ तो मुझे पता नहीं। काफी देर हो गई, इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। नोबिता, लगता है हम नीचे की ओर जा रहे हैं। हमें ऊंचाई पर जाना होगा, वरना समुन्द्र में गिर जाएंगे। ये क्या मुसीबत है? क्या बात है? सारा फ्यूल खत्म हो रहा है। अब तुम क्या करोगे? हमें जल्दी से जलाने के लिए कुछ ढूंढना होगा, वरना हम गिर जाएंगे। अब हम क्या करें? जाग! मुझे डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। क्या हमारे पास जलाने के लिए कुछ नहीं है? तुम क्या करोगे? कुछ तो होगा, ढूंढो कुछ। कुछ तो, मुझे डर लग रहा है। क्या पता कितनी दूर चले गए हो। उन्हें ढूंढने का क्या मतलब, जब मुझे ये पता ही नहीं कि वो किस तरफ गए हैं। क्या कहते हो जियान, आसमान पर हमारी अनोखी उड़ान? वाओ, मैं तो बहुत खुश हूँ। जब नोबिता इस बड़े बलून को देखेगा तो चौंक जाएगा। पर इसका स्केल अलग है, समझे स्केल? ये रहा प्रोक्योरमेंट बैग। हॉट एयर बैलून। मुझे मिल गया। हम कहाँ पर हैं? हाँ, शायद हम नीचे आ गए हैं। माफ करना, नोबिता के हॉट एयर बैलून को तलाश करते हुए मुझे तुम लोग मिल गए। मैंने इसे काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए शायद टूट गया हो। वैसे तुमने नोबिता को देखा है क्या? हमारे साथ मजाक मत करो। आई एम सॉरी। हाँ,
प्रोक्योरमेंट बैग फट गया है और आखिर नोबिता और शिजुका होंगे कहाँ पर? आह, वो रहे, वो घर आ रहे हैं। नोबिता, हे नोबिता, ये तो डोरेमोन है। अब मैं क्या करूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ मत आओ, नजदीक मत आना, मत आओ। ओ, वो तो यहाँ है। मत आओ से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं कितना परेशान था? अब तक तुम थे कहाँ?